वेलकम फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्योतिष रेसिपी पर तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की मसाला इडली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे सो नाउ लेट्स कुक टुगेदर तो चलिए देख लेते हैं फटाफट रेसिपी यहाँ पर हमने एक बाउल में एक कटोरी सूजी लिया है इसमें हम आधा चम्मच नमक ऐड कर लेंगे इसी के साथ एक कटोरी पानी डाल देंगे साथ ही में तीन बड़े चम्मच दही डालेंगे सभी को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये सूजी की इडली बहुत ही जल्दी से बन जाती है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है तो यहाँ पर हमने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया इसे अब हम साइड में रख देंगे मिक्सी के जार में हमने एक आलू को कद्दूकस करके डाला है हरी मिर्च लहसुन नमक डाल देंगे और इसे हमें अब अच्छे से ग्राइंड कर लेना है आप देख सकते हैं आलू बहुत अच्छे से बारीक हो गया है अब हमें इसे इस सूजी में मिक्स कर लेना है सभी को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी में आलू डालने से हमारी इडली बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनती है हमने यहाँ पर कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है आप उबले आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इसी प्रकार की चाहिए ये थोड़ी देर के बाद और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा बस अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे अब इसी बैटर के लिए हम एक तड़का बनाएंगे गैस पर पैन चढ़ाकर तेल डालेंगे एक चम्मच राई डालेंगे चने की दाल उड़द की दाल और बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता डाल देंगे इन्हें हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ये अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद चुटकी भर इसमें हम हींग डालेंगे हींग डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है एक हरी मिर्च को हम बारीक कट करके डालेंगे इसे भी हमें फ्राई कर लेना है अब हम सूजी के बैटर को देखेंगे चम्मच से थोड़ी देर के लिए हम इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे और इसके लिए हमने जो तड़का प्रिपेयर किए हैं वो अब हम इसमें डाल देंगे इस तड़के के कारण हमारी इडली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इसे हमें अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है इसे अच्छे से मिक्स होने देंगे और थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे गैस पर हमने पैन चढ़ाया है इसमें हम दो ग्लास पानी डाल देंगे एक स्टैंड रख कर ढक देंगे इडली के प्लेट को हम तेल से ग्रीस कर लेंगे दूसरे भी प्लेट को हमें अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेना है ताकि इडली को निकालते समय हमें आसानी हो अब हम इडली के बैटर में इनो डाल देंगे इसे एक्टिवेट करने के लिए इस पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अब हम इस बैटर को फटाफट अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा इडली का बैटर अभी रेडी हो गया है अब इडली के सांचे में एक एक चम्मच करके हम इसमें डालेंगे बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बन जाती है आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट में भी आप इसे बना सकते हैं अब हम इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे इसे हमें सिर्फ दस मिनट ही भाप में पकाना है और आप देख सकते हैं इडली बहुत ही अच्छे से पक गई है अब इसे हम बाहर निकालेंगे और ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए और चम्मच की मदद से हम इसे निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी फटाफट ये इडली बाहर निकल रही है चिपक भी नहीं रही और बहुत ही स्पॉन्जी और फ्लफ़ी इडली बनकर तैयार हो गई है हम इसे आपको तोड़कर भी दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं इडली अंदर से कितनी मस्त फ्लफ़ी बनी हुई है और इसमें हमने जो तड़का डाला है उसकी वजह से हमारी इडली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे इसे आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं हम यहाँ पर सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं इसे आप सांभर के साथ भी खा सकते हैं बीस मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है तो आप इसे एक बार ज़रूर बना देखिए तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ टिल देन बाय बाय